तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमारे मोदी जी होने होंगे, और कौन रहेगा? क्यों मोदी जी होने चाहिए? क्योंकि देखो उन्होंने काम किया है और काम के बलबूते पे ही वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम कुछ किया नहीं है ऐसे फल्लेबाजी में आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा काम किया है। आज मोदी जी ने विश्व में, विश्व पटल पे आज भारत का नाम जो ऊंचा किया है उससे हर कोई वाकिफ है। अनजान बन जाए तो वो एक अलग बात है, कौन नहीं जानता। कभी वक्त था जब मोदी जी को कहा जाता था कि आपको वीजा नहीं दिया जाएगा, आज वही संसद में जाकर मोदी जी के नारे लगाते हैं मोदी मोदी मोदी। तो कुछ तो खूबी होगी ना, जो लोग उनको वीजा नहीं देते थे, पासपोर्ट नहीं बनाते थे, आज वो मोदी मोदी संसद में चिल्लाते हैं अपने, तो सोचिए आप क्या होगा उनके अंदर। महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया, सोच करने महिलाएं बाहर जाती थी, ये मोदी जी ने सोचा। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा, कभी सोचा किसी ने? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी सोचा उन्होंने कि महिलाएं रात के अंधेरे में बेचारी वक्त सोचती थी कि कब रात होगी और कब हम सोच करने जाएंगे? ये एक मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और क्या सामान चाहिए महिलाओं के लिए मोदी जी से? कभी हम अकाउंट खुलाने जाते थे तो वो कहते थे किसी को लेकर आओ जो आपकी गवाही देगा या किसी का अकाउंट है, तो आज मोदी जी हैं जिन्होंने हर किसी का अकाउंट खुलवा दिया। पहले मोबाइल नहीं ले पाते थे, आज कोई रिक्शे वाला, साइकिल वाला भी है तो वो चाहे साइकिल पे ही चल रहा हो लेकिन मोबाइल पर बात करता हुआ चलता है। तो ये किसकी देन है? मोदी जी की। आज जो विश्व में भारत का नाम हुआ है वो मोदी जी की, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है।